हेलो दोस्तों, होशियार सर की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान की मॉडल पेपर या ये कहो गेस पेपर, जहां हमने दो पेपरों पे चर्चा की पिछले वीडियो में, आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान थर्ड पेपर, जिसका नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति। एमए प्रीवियस का है, राजनीति विज्ञान का जो तीसरा पेपर होगा जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होगा, 2020 में जो मुख्य एग्ज़ाम होने हैं उसके अंदर गेस पेपर बनाई जा रही हैं। संभवतः इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। सदा हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। पेपर के प्रश्नों से दोगुने मोस्ट पर्सन हैं, जो पेपर में कुल पर्सन आएंगे उनके डबल बनाए हैं, जैसे कि आपने पिछले पेपर में भी देखा था। कहने का मतलब है कि पेपर का पैटर्न वही होगा, खंड ए, खंड बे, खंड से, तो उसी प्रकार उनके डबल क्वेश्चन मैंने मोस्ट बनाई हैं, तो जो कि खंड एम ए यूनिट के अनुसार है। दोस्तों, ये केवल अनुमानित है, गेस पेपर है, मोस्ट क्वेश्चन बनाई जा रही हैं, संभवतः आपको इनमें से पेपर में मिलेंगी। जैसे कि पहली यूनिट के अंदर चार मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो वर्तमान विकासों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा, राष्ट्रीय शक्ति क्या है बताइए, एक ही बात है। भू राजनीति को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों का नाम बताइए। राजनयिक कूटनीति, डिप्लोमेंसी, राजनयिक क्या है, प्रचार कूटनीति क्या है। नव साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। नव उपनिवेशवाद का अर्थ बताइए। शक्ति संतुलन कितने प्रकार का होता है लिखिए। शक्ति संतुलन की दो विशेषताएं लिखिए। विश्व जनमत क्या है, एशिया नवजागरण के दो कारण बताइए। गुजराल सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है बताइए। गुटनिरपेक्षतावाद एक आंदोलन है स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है बताइए। यूरोप के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं समझाइए। मानव अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मास्ट्रिच संधि का आशय क्या है बताइए। आतंकवाद का अर्थ बताइए, इसके कितने रूप है। ये छोटे क्वेश्चनों के गेस पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों, आपको पता है छोटे क्वेश्चन पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है, कोई गेस पेपर नहीं लगता, लेकिन मैंने फिर भी छोटे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाई है। प्रत्येक यूनिट से चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों खंड बे में यूनिट के अनुसार है वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण बताइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को समझाते हुए इसकी विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की महत्ता बताइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ व क्षेत्र समझाइए। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का उल्लेख करें। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों के रूप में कूटनीति की भूमिका बताइए। राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि के उपकरणों के रूप में आर्थिक तत्व का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में राष्ट्रीय युद्ध सॉरी राजनीति युद्ध और प्रचार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक युद्ध और प्रचार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नव उपनिवेशवाद की प्रकृति व कारणों की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय हितों को सीमित करने में सामूहिक सुरक्षा की भूमिका बताइए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर टिप्पणी लिखिए। अफ्रीका के नवजागरण तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत की आणविक नीति अर्थात परमाणु नीति का परीक्षण कीजिए। पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों की विवेचना कीजिए। यूरोप के पुनर्निर्माण एवं पुनः संगठन की चर्चा कीजिए। विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन कीजिए। गुटनिरपेक्ष की नीति से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। ये खंड बे के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, खंड बे वाले खंड से में भी आ सकते हैं और खंड से वाले बे में भी आ सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको संभवतः पेपर में मिल सकते हैं।
इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें, जो कि खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं और स वाले हैं वो ब में भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं खंड स सेक्शन सी, जो कि कुल 5 क्वेश्चन होंगे और करने कितने होंगे, 3 करने होंगे। इसमें भी यूनिट के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, ये गेस पेपर लगाया, इनको ज़रूर तैयार करें। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको तो ज़रूर ही तैयार करना है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र व प्रकृति की विवेचना कीजिए, मार्गिंथो द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा एवं तत्वों की चर्चा कीजिए, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधनों की विवेचना कीजिए, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसे बनाए रखने के साधन कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए, सामूहिक सुरक्षा की अभिवृद्धि में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की भूमिका का वर्णन करें, निःशस्त्रीकरण की व्याख्या कीजिए, अर्थात निःशस्त्रीकरण का अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसके मार्ग में बाधाएं और उसे लाने के प्रयास या प्रयत्नों का वर्णन कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विश्व जनमत के योगदान का आंकलन या भूमिका का वर्णन कीजिए, असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है, विश्व राजनीति में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण करें, मानवीय अधिकारों की अवधारणा पर लेख या निबंध लिखिए। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खंड स के, और फिर एक बार बता देता हूँ, खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं और खंड स वाले ब में भी आ सकते हैं, ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। पेपर सेटर पे डिपेंड करेगा कि कौन से में रखेगा इन क्वेश्चनों को, तो याद रखना है मेरे दोस्तों, ये प्रश्न क्रम से मोस्ट है, जैसे कि पहला मोस्ट है, दूसरा इतना नहीं, अगर पहला नहीं आता है तो दूसरे के आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन दोनों में से एक ही आएगा। ये प्रश्न क्रम से मोस्ट है, सभी प्रश्न यूनिट के अनुसार विभाजित है, ये प्रश्न अनुमानित है, केवल गेस पेपर है, ये अनुमान लगाया कि ये पेपर में आ सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप ला पाओगी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मारो उदसी थांकी सफलता। तो दोस्तों, आज हमने बात की एमए प्रवेश राजनीति विज्ञान के 3rd पेपर की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो राजनीति विज्ञान में एमए कर रही हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देवें, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ अन्य टॉपिकों पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो भारतीय राजव्यवस्था पे हो, चाहे इतिहास के ऊपर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे अन्य सामान्य नॉलेज से संबंधित वीडियो बनाऊंगा जो आप तक पहुंचे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। आप देख रहे हो, यह है एमए प्रवेश राजनीति विज्ञान 3rd का पेपर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो गेस पेपर बनाया मैंने, आपको एग्ज़ाम में मिलने की पूरी संभावना होगी। और कल लेके आएंगे हम एमए राजनीति विज्ञान का 4th पेपर, लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।